नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे रोहू का चारा। ये इलायची है, ये जीरा है और ये वाला मेथी है। ये पका हुआ चावल है और ये गेहूं का आटा है, गेहूं जिसका रोटी बनता है। ये छोटा बड़िया जो बच्चे दरिया खाते हैं ना, दरिया वही है दरिया। इसको हम एक में मिक्स करेंगे, उसके बाद मेथी भून लेते हैं। इधर भूनने के बाद दोस्तों मेथी भूज लो, वो जीरा भी भूज लो। ये दोनों को भूज कर पीस लेना है अच्छी तरह से। ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत कम लेना है। मेथी और जीरा बहुत कम लेना है। ये स्माइल के लिए बस डलता है थोड़ा सा। इसे हम मिला दिए इसमें भूज कर। ये जो रखे हैं उसे मत देखना, ये तो रखे हैं दिखाने के लिए, लेकिन इसमें डाल कर मिला दिए हम। और ये चावल लेंगे और इसको इसमें मिलाएंगे दोस्तों। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, इसमें पानी नहीं डालना है दोस्तों, ये खुद अपने आप पानी बन जाएगा। देखो इससे बहुत अच्छा आटा गलता नहीं है। किसी नदी में भी खेलो या तालाब में भी खेलो। हाँ, ये चावल जो है ना वो बहुत सख्त बना देता है, इसको छूटता नहीं है हुक से जल्दी। इसे अच्छी तरह मिलाएंगे दोस्तों, बहुत मेहनत से मिलाना पड़ेगा। इसमें चावल भी ज़्यादा नहीं डालना है। मेथी और जीरे को भूज कर इसमें मिला दिए हैं दोस्तों हम। और वो इलायची है उसको कूचना है, कूच करके उसमें एक इलायची से जैसे बिया निकाल करके कूच कर उसमें डालो, बस बिया एक ही इलायची का डालना। वो तीन इलायची दिखाने के लिए रखे थे वहाँ पे। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं हम। इसका अगला वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इसी चारे से मार कर वीडियो। रोहू का ये बहुत अच्छा चारा है, रोहू का भाई बहुत ही बेहतरीन चारा है। हम यही बेट यूज करते हैं हमेशा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। इसको मिलाने के बाद दोस्तों ये रेडी हो गया है आटा या बनकर। दोस्तों अभी हमारा चारा रेडी हो गया है। आप इसे सिंगल बेट में चाहे डबल बेट में भी यूज कीजिए। रोहू मछली के लिए बहुत अच्छा चारा है। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का घंटा है वो भी दबा दें, क्योंकि नया वीडियो डालें तो आपके पास पहुंचे नोटिफिकेशन। देखो हम ऐसे ट्रिपल हुक में लगाएंगे आटा और इसको अच्छी तरह से दबाएंगे। हम ट्रिपल हुक यूज करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। ये सर्दी का मौसम बहुत इसी से खेलो, अच्छा शिकार होगा ये भाई, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप कहीं तालाब में मारो या नदी में मारो या डैम में मारो, सबसे अच्छा बेट बना है दोस्तों। देखो ये रेडी हो गया, लगा दिया आटा इसमें, रेडी हो गया। ऐसे करके हमको पानी में फेंकना है। पहले दोस्तों हल्का फुल्का चराई करो, जहाँ जाओ हल्का सा फेंको, जहाँ फेंकना है आपको बेट फेंकना है वहाँ पे हल्का सा डालो आटा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा डालोगे सब खा लेंगे।